कोई भी साधक या कोई भी साधिका या कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति जो मंत्र तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और वह मंत्र साधनाएँ, तंत्र साधनाएँ और यंत्र साधनाएँ करना चाहता है, तो वह अपने जीवन में कितनी साधनाएँ करे जिससे उसका हर कार्य जो भी उपलब्ध करना चाहता है उस मंत्र से प्राप्त हो जाए। क्या वह एक साधनाएँ कर ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है या उसको हर शक्तियों के शरण में अलग अलग जाना पड़ेगा हर कार्य के लिए। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मा योग माया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको जो भी हम वीडियो डालें आपको मिले सबसे पहले। तो तंत्र और मंत्र के क्षेत्र में कोई व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जीवन में चाहे जितने मंत्र आप सिद्ध कर लें फिर भी आपके अंदर पूर्णता नहीं आएगी। अनंत है ये, अनंत जितना आप चलते जाएंगे उतना ही आपको प्राप्त होता जाएगा और जितनी गहराइयों में जाएंगे उससे भी गहरा आपको दिखता जाएगा, क्योंकि यह अनंत है, ये ब्रह्मांड ही पूरा अनंत है। जिस आप अनंत की खोज में हैं, आप में कभी अगर मन में स्थिरता का भाव नहीं आया, शक्तियों के प्रति आपकी लालसाएँ बढ़ती गई, तो कभी भी जीवन में आपके मन में संतोष नहीं रह सकता, न ही अभी कभी आपको मंत्र और तंत्र या शक्तियों की लालसा खत्म होगी, क्योंकि जितना आपको प्राप्त होगा वो कम ही रहेगा। और इस अनंत से आप कितना प्राप्त कर सकते हैं, आपका पूरा जीवन ही चला जाएगा लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि अपने व्यक्ति जीवन में कितनी साधनाएं और कितनी सिद्धियां करे जिससे उसका हर कार्य हो जाए और अधिक उसको सिद्धियों और साधनाओं के पीछे ना भागना पड़े। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जानकारी महत्वपूर्ण होने वाली है। व्यक्ति कोई एक ऐसा मंत्र चुने अपने जीवन में जो महाशक्तियों से संबंध रखता हो, दैवीय हो, इतर योनि का नहीं, महाशक्तियों का मंत्र, जैसे माँ दुर्गा, माँ काली, हनुमान जी, शंकर जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी या कोई भी दिव्य शक्तियाँ, बहुत सी जो है स्वरूप हैं जो गुप्त हैं, कोई भी एक ऐसा स्वरूप का आप चयन कीजिए, जिस उस मंत्र का चयन कीजिए जो आपको अपने जीवन में करना है और अपने इष्ट के तत्व के अनुसार आप मंत्र का चयन कीजिए। और मंत्र शक्ति मंत्र होना चाहिए, अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो शक्ति मंत्र होना चाहिए, मंत्र शक्ति मंत्र हो और जिससे आप हर कार्य कर सकें और उस मंत्र को आप अपने जीवन में इतनी संख्या तक जप डालें कि उसका जो है पूर्ण रूपेण से उस मंत्र की आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए। क्योंकि 1,25,000 पे मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं, कोई भी मंत्र 1,25,000 पे सिद्ध नहीं होता, 1,25,000 पे सिर्फ मंत्र जागृत होते हैं। जागृत हो जाने के बाद आप उस मंत्र से शक्ति से ध्यान के माध्यम से वार्ता भी कर सकते हैं और अपनी प्रार्थनाओं से कार्य भी करा सकते हैं, लेकिन मंत्र पूर्ण सिद्ध तब होता है जब उसका पूरा पुरस्चरण, चारों पुरस्चरण किया जाए। और चार पुरस्चरण ज़्यादातर 3,600,000 का होता है, कुछ मंत्रों का 3,200,000 का है, कुछ का 2,600,000 का, कुछ का 2,800,000 का, ज़्यादातर 3,600,000 रहता है पुरस्चरण मंत्रों का। अगर एक मंत्र आप अपने जीवन में पूरा पुरस्चरण कर लें और उसको सिद्ध कर डालें और फिर सदैव उसी मंत्र का जाप करते रहें, सही विधान में सही गुरु मार्गदर्शन जरूरी है, क्योंकि बिना सही गुरु मार्गदर्शन के आप यूं ही करेंगे तो वो फल आपको प्राप्त नहीं होगा। सही गुरु मार्गदर्शन में आप एक मंत्र का चुनाव कीजिए और उसको सदैव उसी का जाप करिए, उसी को सिद्ध कीजिए, इतना शक्तिशाली उस मंत्र को बना लीजिए कि उस मंत्र से आपके सारे कार्य होने लगे। आप किसी के बारे में जानने की कोशिश करें, जैसे किसी के बारे में सोचे वो मंत्र आपको तुरंत बता दे, तो इस अगर किसी मंत्र को आप इतना सिद्ध करते हैं तब तो फलीभूत है। और आप अगर भागते हैं दूसरे मंत्रों के पीछे, 1,25,000 इस मंत्र को कर लिए, 1,25,000 उस मंत्र को कर लिए, 1,25,000 कोई और मंत्र सिद्ध कर लिए, 1,25,000 फिर कुछ सिद्ध कर लिए, कुछ सावन मंत्र सिद्ध कर लिए, कुछ वैदिक मंत्र सिद्ध कर लिए, कुछ भूत के मंत्र सिद्ध कर लिए, कुछ प्रेत के मंत्र सिद्ध कर लिए, कुछ देवी देवताओं के मंत्र सिद्ध कर लिए, तो इससे जीवन में कभी भी एक स्थिरता नहीं आएगी। और जब तक जीवन में स्थिरता नहीं आएगी आप सिद्धियाँ नहीं प्राप्त कर सकते। सिद्धियाँ प्राप्ति का सबसे सरल और सुगम मार्ग है एक शक्ति मंत्र होना चाहिए जिसको आप जो है जपें पूर्ण रूपेण से, उसको सिद्ध करें और उसी मंत्र पर इतना जाप हो जाए आपका, इतना हवन हो जाए कि मंत्र में इतनी चैतन्यता रहे, इतनी प्रबलता रहे कि आपके दृष्टि मात्र से ही चीज़ें होने लगें, तब तो किसी चीज़ की सार्थकता है। नहीं तो आप अपने जीवन में
यह जितना मंद सिद्ध करिए कोई उसका उतना बड़ा महत्व नहीं है। अगर एक मंद को ही आप दिनों रात डटेंगे, दिनों रात जपेंगे, तो वही मंत्र आपको धन भी प्रदान करेगा, वही मंत्र आपको शक्ति भी प्रदान करेगा, वही मंत्र हर कार्य करेगा। क्योंकि एक मंत्र के कई प्रयोग होते हैं, एक मंत्र के हजारों प्रयोग होते हैं। जितना प्रयोग आप कर सकें उतना प्रयोग करिए। एक मंत्र का एक ही प्रयोग नहीं होता, इतने सारे प्रयोग कि आपको पता नहीं होगा। एक मंत्र के इतने प्रयोग होते हैं, तो आप प्रयोग जब मंत्र का सीख जाएंगे तो एक ही मंत्र से सारे कार्य होने लगते हैं। और मंत्र में उतनी क्षमताएँ होती हैं, लेकिन हाँ, ज़रूरत है आपको उसको पूर्ण रूप से सिद्ध करने की। अगर आप शक्ति मंत्र का पूर्ण रूप से जाप करके सिद्ध करते हैं, अनुष्ठान करते हैं सदैव, तो आपको एक ही मंत्र से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप किसी के बारे में जान भी सकते हैं, किसी के तंत्र बाधा को हटा सकते हैं, तंत्र काट कर सकते हैं, अपने मनोकामना पूर्ति का उपाय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज का दौर जो है वो भटकाव का दौर है। व्यक्ति कई मंत्रों के पीछे भागते हैं, कोई शिव मंत्र सिद्ध कर रहा है, कोई शक्ति मंत्र सिद्ध कर रहा है, तो कोई भूत मंत्र सिद्ध कर रहा है। एक मंत्र करिए, हमेशा महाशक्तियों का मंत्र सिद्ध करिए, शिव मंत्र सिद्ध करिए या शक्ति मंत्र सिद्ध करिए, या दोनों को सिद्ध करिए, लेकिन आपके अंदर स्थिरता हो। अगर जिस चीज़ को पकड़े पूर्ण रूपेण से पकड़े, ये नहीं कि थोड़ा सा इसको कर लें, थोड़ा सा इसको कर लें, थोड़ी सी चुड़ैल का जाप कर लें, किसी कुछ मसान को सिद्ध कर लें, तो ऐसा मत कीजिए। अगर किसी को पकड़िए तो एक मंत्र का चयन कीजिए, उसको जब तक उसमें एक अस्थायित्व आप पुनः प्राप्त हो जाए तब तक उसका जो है जाप करते रहिए। क्योंकि जितनी आप जाप करेंगे उतनी ऊर्जा आपके अंदर निर्मित होगी, और जितनी निर्मित होगी उतना ही आप कार्य कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा चैनल में। और कोई भी अगर आपको ऐसा टॉपिक पे वीडियो बनवाना है जो आपको चाहिए, जो आपको यूट्यूब पर ना अवेलेबल हो, तो आप कमेंट तो हमने आपका रखा है, मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना देंगे। और कोई भी आपको साधना संबंधी मार्गदर्शन चाहिए, आपको कोई सिद्धियां करनी है, तो आप हमारे पास भी आके कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई साधना संबंधी मार्गदर्शन चाहिए तो आप जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस पर भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, और कॉल मी फोर ऐप पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारी आईडी है योग माया दरबार। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।